कैसा आ रहा है बिजली का बिल? कैसा आ रहा है बिजली का बिल? बहुत आ रहा है यार। नहीं यार, पहले आता तो 7-8 हज़ार, अभी आता है 20 हज़ार। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। लोगों की राय ये है कि बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हर बंदा परेशान है। लेकिन बिजली के बिल से बचने का वायदा है सोलर सिस्टम। अभी जावेद निहारी पे आप देखे, दोपहर का सीन बना हुआ है माशाल्लाह। लंच टाइम हो या डिनर टाइम, जावेद निहारी बड़ी ही प्यारी। निहारी तो हम खाएंगे ही, लेकिन साथ में कुछ और आइटम भी टेस्ट करेंगे। जरा देखते हैं कि माहौल क्या चल रहा है। निहारी हरीम बिरयानी पुलाव चिकन कोरमा आलू कीमा सब मिलेगा भाई। और यहाँ पे देखें आप, खीर फिरनी भी रखी हुई है। ये देखो ये माहौल बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक। और भाई आज हम जा रहे हैं जावेद निहारी। जावेद निहारी के लिए जो है ना, वो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है। क्योंकि जावेद निहारी बहुत ही पुराना है, बहुत ही आइकॉनिक है। लेकिन जो उनकी सेकंड ब्रांच है बहादराबाद वाली, वहाँ पे निहारी के साथ साथ कुछ और आइटम्स भी हैं। तो आज मैं ज़रा कुछ स्पेशल चीज़ें ट्राई करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे जाना है एक बहुत ज़रूरी काम से, और वो ये कि भाई बिजली का बिल बहुत आ रहा है, बहुत महंगी हो गई है बिजली। और बिजली के बिल को आप कम कैसे कर सकते हैं, कम नहीं बल्कि आप उसको ज़ीरो कैसे कर सकते हैं, वो मालूमात आज हमें लेनी है। क्योंकि आलूदगी भी बहुत हो गई है, सस्टेनेबल एनर्जी बहुत ज़रूरी है, सोलर सिस्टम क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। तो ज़रा चलते हैं, ज़रा पता करते हैं कि भाई सिस्टम लगाया जाए, बिजली का बिल कैसे ज़ीरो किया जाए, और फिर चलते हैं जावेद निहारी खाने। तो फिर चलें। हाँ भाई जान, क्या हाल है? सब खैर? पराठा वराठा बन रहा है? जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिजली का बिल कितना आ रहा है तुम्हारा आज के लिए यार? बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अरे भाई, सेठ साहब से पूछो भाई। पहले आता तो 7-8 हज़ार, अभी आता है 20 हज़ार। तो फिर क्या आप उस सर्दी में भी आता है? सर्दी में भी आ रहा है ना, क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ करे, सोलर एनर्जी लगाओ, सोलर सिस्टम। चाय कैसी बन रही है? चाय चाट बन रही है, कड़क चाय बन रही है। क्वेटा स्ट्रॉन्ग चाय, क्वेटा स्ट्रॉन्ग चाय, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग चाय, कड़क चाय, क्या बात है, मजेदार चाय, बेहतरीन। सलाम वालेकुम चाचा, आप उन्हीं की चाय पी रहे हो? कड़क जी सर, उन्हीं की चाय। कैसी है चाय इनकी? अच्छी चाय है। आपका बिजली का बिल कैसा आ रहा है? बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है यार? कम से कम हमारा तो 70-80 हज़ार रुपए का आ रहा है। नहीं यार, और हलीम चल रहा है जबरदस्त सा। बस शुक्र है मालिक का। कैसा आ रहा है बिजली का बिल? कैसा आ रहा है बिजली का बिल? बहुत आ रहा है यार। नहीं यार, कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है यार, है ना? क्या करें अभी? यार बिजली का बिल बहुत भाई। बिरयानी की खुशबू तो आला आ रही है भाई। हाँ जबरदस्त लग रही है बिरयानी। कितने की प्लेट है? 220 रुपए। भाई तो ये देख ले आप, लोगों की राय ये है कि बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हर बंदा परेशान है, हम खुद परेशान है। चाहे वो मुतवस्सित तबके के लोग हो, गरीब तो बेचारा पिस ही रहा है, चाहे वो अपर तबके के लोग हो, मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास, हर बंदा बिजली के बिल से परेशान है भाई। और इसीलिए मैं आया हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त हैं शारिक, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है भाई कि आओ ज़रा देखो क्या है ये सोलर सिस्टम वगैरह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? शारिक है? शारिक से बात हो रही है। अस्सलामुअलैकुम भाई जान, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से है। मैं ये भाई हमारे दोस्त शारिक, इनका हमारा बहुत पुराना साथ है, सर सैयद यूनिवर्सिटी में जब हम एनिमेशन सीखा करते थे, जब का हमारा साथ है। ऑल इज वेल, बिजली के बिल लोगों से भी पता करते हुए आ रहा हूँ भाई। बिजली के बिल ने जो है ना वो वाट लगाई हुई है। हाँ। तो आप बताएं जरा क्या करना है यार। अच्छा भाई, मैं मौजूद हूँ मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, और ये मस्कन चौरंगी के करीब गुलशन के अंदर ये इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, पीछे इनका आउटलेट भी है। और यहाँ पे शारिक भाई ने अपनी पूरी जो इनकी टीम है, आप इमरान उल्लाह खान, इमरान भाई, इबाद भाई और शारिक भाई से तो आपको मिलवा ही दिया है। भाई ये बताएं, बिजली का बिल बहुत आ रहा है, क्या करें यार? देखिए बिजली के बिल से बचने का वायदा है सोलर सिस्टम से। लेकिन सोलर सिस्टम जो है वो तो बड़ा महंगा आता है ना, सुना है मैंने। ये मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर कि सोलर सिस्टम बहुत महंगा है। कुछ प्राइजेस पिछले कुछ दिनों में महंगी थी, ऊपर थी, लेकिन इस वक्त सोलर सिस्टम प्राइस एटलीस्ट बहुत नीचे आई हुई है। अच्छा, यानी अगर आप एक सोलर सिस्टम लगाते हैं नॉर्मली घर में, 10 करोड़ लगा लेते हैं आप,
तो उसकी कॉस्टिंग जो पहले हमने 18-20 लाख से ऊपर पहुंच गई थी, वो कॉस्टिंग कम होकर बहुत नीचे आ गई है। 10 किलोवाट में हम क्या क्या चला सकते हैं? 10 किलोवाट में तकरीबन आपके घर का कंप्लीट लोड चल जाता है, जिसमें आपके 4-5 एसी चल जाते हैं, पानी की मोटर चल जाती हैं, आपके फ्रिज चल जाते हैं, डिफ्यूजर चल जाते हैं। तो ये जो है ना वो सोलर सिस्टम तो दिन में चलेगा, दिन में आ रही है, रात में क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, पहले सोलर सिस्टम लगते थे ऑफ ग्रेड बैटरी वाले सिस्टम लगते थे जो अब रिमोट एरियाज में लगते हैं, अब सोलर सिस्टम लगते हैं ऑन ग्रेड रिवर्स मीटरिंग वाले। क्या मतलब? उसमें सिस्टम ये होता है कि आपने एक सिस्टम लगा लिया 10 किलोवाट का और आपकी बिजली जनरेशन कर रहे हैं 10 किलोवाट, डे टाइम में आप इस्तेमाल कर रहे हैं 4 किलोवाट 5 किलोवाट जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेस जो बिजली है वो केसी को आप सेल कर रहे होते हैं, रिटर्न केसी को बेच रहे होते हैं वो। वही बिजली मैं इस बात को थोड़ा सा आसान कर देता हूं, आसान कर दे, ठीक है ना? आसान ये कि मेरे पास भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है, दिन में सूरज से चलता है, रात में अकेले आपकी शक्ल पे आया हूँ मैं, ये भाई आपके पास लगा हुआ है भाई, गया आप दोस्त है यार, ये देखो आप, ये मेरा बिल चेक कर लो, ठीक है ना? जीरो जी, पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, पेमेंट नॉट जीरो, ऑलवेज माइनस चल रहे हैं पूरे साल, माइनस चल रहे हैं, माइनस का है। और मैं आपको जादू दिखाता हूँ, वो आप ये यहाँ पे देखोगे, ये ऑलमोस्ट पूरे ईयर्स में माइनस में जा रहे हैं, इस वक्त भी ऑलरेडी इनके नेगेटिव पैसे 83,000 केसी के ऊपर इनके निकलते हैं, यानी ये चाहे तो केसी से क्लेम करके पेमेंट रिटर्न ले सकते हैं, 83,000 केसी से पे करता है कि बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, यानी आप कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। अच्छा, लेकिन बिजली का बिल आपका जीरो है, बिजली का बिल आपका जीरो है, क्योंकि आप जो है ना वो आप सोलर एनर्जी से बिजली बना रहे हैं और आपके इलेक्ट्रिक को बेच रहे हैं, तो इस वजह से आपका बिल बिल्कुल नेगेटिव जीरो है। ये कितने किलोवाट में हो जाता है? ये कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, 10 किलोवाट का सिस्टम है। अच्छा, 240 गज के घर के ऊपर कितने मिनिमम कितना किलोवाट ना बिल आपका देखते हैं, अगर बिल आपका फर्ज करें 50,000 आ रहा है हमारा, 50,000 बिल आ रहा है तो 15 किलोवाट लगा लें, आपका बिल ऑलमोस्ट पूरे साल जीरो रहेगा। अच्छा, 15 किलोवाट कितने में लगेगा? 15 किलोवाट की आजकल जो कॉस्टिंग तकरीबन आ रही है वो 1,819 लाख रुपए आ रही है, 1,819 लाख रुपए जी सर। लेकिन मुझे बताएंगे इसमें जो बैटरी लगती है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरियां नहीं होती है, लाइफ चल रहा है, बैटरी नहीं। मैं तो ये सुना यार कि बैटरी लगानी पड़ेगी, 2 लाख रुपए की बैटरी आती है, फिर हर साल वो बैटरी चेंज होगी, वो ऑफ ग्रिड सिस्टम, मैंने बताया ना आपको वो ऑफ ग्रिड होता था, ये नहीं होता अब, नहीं नहीं अब नहीं, अब ऑन ग्रिड तो इसी वजह से नहीं लगा रहे यार, फिर बैटरी लगाएंगे फिर वो बैटरी चेंज करते रहो, बैटरी पे इन्वेस्टमेंट करते रहो, इसमें बैटरी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो मेंटेनेंस होती है इसकी, कोई मेंटेनेंस नहीं है, एक दफा आपने लगा दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी, सिर्फ वॉशिंग करनी है आपने, बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं इसकी। यार भाई आप इसको जो है ना एज एन इन्वेस्टमेंट देखो, ये चीज आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, आप एक दफा ये लगा लोगे, आप 2 साल में 2.5 साल में आपने जितने पैसे लगाए वो आप बिजली के बिल की मद में रिकवर रिटर्न कर लेंगे आप। दूसरी बात ये कि भाई आजकल जो है ना आपने देखा है कि लाहौर नंबर 1 चल रहा है आलूदगी में, उसके बाद कराची नंबर 2-3 पे आ रहा है, ऊपर नीचे हम लोग रेस लगाते रहते हैं लाहौर कराची, कभी कोई नंबर 1 होता है कभी कोई, तो ये जो सोलर एनर्जी है ना ये सस्टेनेबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, जी जी ग्रीन एनर्जी है बिल्कुल, और ओवरऑल हमारे मुल्क को भी जो है ना वो इसकी ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखता हूँ, कराची के एटमोसफेयर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आपको सोलर बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा साल ही धूप रहती है आपकी, कुछ एक महीने आते हैं 10-15 दिन का टाइम आता है जो धूप कम होती है, वरना पूरा साल धूप रहती है आपकी, तो यहाँ जनरेशन भी आपको अच्छी मिलती है, आपको आपके यूनिट भी अच्छे बन रहे होते हैं आपके। सही। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताएं कि क्या ये इसमें इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी होता है? इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन बिल्कुल है, लेकिन बैंकों के साथ होता है, वो मुख्तलिफ बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, जैसे मैदान कर रहा है, जीएस अच्छा, कर रहा है, अच्छा, फैसल बैंक, मुख्तलिफ बैंक, क्योंकि एक साथ 15 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना बैंक फाइनेंसिंग कर रहे हैं, आप बैंक फाइनेंसिंग करवा सकते हैं, आप गाड़ी की फाइनेंसिंग करते हैं, गाड़ी आप बिल्कुल लेते हैं, उसी तरह आप ये सोलर लें, गाड़ी तो आपकी चलती रहती है, ऐसी बातें काम में आती है, इसमें आपका जो है वो जो आपके पैसे बिजली के बिल के बचेंगे वो आप इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे, और 1-2 साल के अंदर आपकी चीज अपनी हो सोलर पैनल आपके अपने हो जाएंगे। जबरदस्त। तो ये हम जरा आपके वो भी है ना हमारे आउटलेट है सामने, आउटलेट पे चलते जरा देख लेते हैं कि किस तरह तमाम वैरायटीज हमारी डिस्प्ले में लगी हुई है, मुख्तलिफ जो इन्वर्टर चेक कर लेते हैं। चले चले चले, ये आ गया भाई मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन आउटलेट जो फ्रंट के ऊपर है ना, पीछे हम जरा दूसरे ऑफिस में थे, यहाँ पे इनके सारे चीजें हैं। यहाँ पे लगी हुई है ये सारी टेक्निकल चीज़ें, ये क्या है भाई? ये इन्वर्टर्स हैं, ये ऑफ ग्रेड इन्वर्टर्स हैं, छोटे इन्वर्टर्स जो दिलाते हैं जो उस सिस्टम में लगते हैं जिसमें लाइट जाने का, जिसमें जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ये चीज़ें लगती हैं बैटरीज के साथ। अच्छा, ये बैटरीज रखी हुई है, ये बैटरीज हैं, सारी ट्यूबलर बैटरीज हैं, सोलर के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं। अच्छा, एक चीज़ की मैं क्लैरिटी दे दूँ, जो बैटरीज होती है ना उसकी रिक्वायरमेंट जब होती है, जब आपके यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर ये बैटरी की ज़रूरत पेश आती है, अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है तो आप ऑन ग्रिड
सोलर सिस्टम लगा लें और फिर आपके यहाँ जो है ना वो बिल आपका जो है वो उससे कम हो जाएगा। और यहाँ पे भाई इनका सारा सिस्टम ये लगा हुआ है, अब इनकी क्या आपको डिटेल्स बताऊँ, जब आप यहाँ पे आइएगा तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो बड़ा ही मुझको तो बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, थैंक यू भाई शारिक भाई आपने यहाँ पे इन्वाइट किया, और मेरे ख्याल है आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी डिफरेंट ये, क्योंकि बिजली का बड़ा मसला चल रहा है, लोड शेडिंग भी है और महंगाई भी बहुत हो गई है, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्लॉग में भी आप लोगों को दिखाऊं। और आप लोग यहाँ पे मस्कन चौरंगी के पास मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पर आके अपने घर का सोलर पैनल जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे आके बात कर सकते हैं, जो भी आपका सिलसिला है वो यहाँ पे आप आके डील कर सकते हैं। और मैं भी इंशाल्लाह ताला अपने घर के लिए, तो अब कितने किलो वाट का लेना ये इनसे बाद में डिस्कस करूंगा, आके ये डिटेल में करेंगे। अभी आप चल रहे हैं जावेद निहारी? बिल्कुल चलो भाई निहारी खाने चलते हैं, अब बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है, आज चलें 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 आप तो चलें। आप पहले पहुंच गए हैं? हम पहले पहुंचे हैं आपसे भाई, जबरदस्त। जावेद निहारी भाई हम पहुंच गए, और ये जावेद निहारी का सेटअप जो है ना ये इनका सेकंड ब्रांच है। जावेद निहारी की वीडियो मैंने बनाई थी जब मेरे चैनल का बहुत शुरू था, और जावेद साहब से भी मुलाकात हुई थी, वो वीडियो मेरी दिल्ली और कराची की कोलैबोरेशन थी। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक आ रहा है, इसको देख लीजिए, और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जावेद निहारी पे आप देखें, दोपहर का सीन बना हुआ है माशाल्लाह, लंच टाइम हो या डिनर टाइम, जावेद निहारी बड़ी ही प्यारी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? क्या हाल है भैया भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, मजे में खैरियत से हैं भाई। ये खिजर साहब है, इनका तारुफ में शायद पहले करा चुका हूँ कि नहीं, जावेद निहारी जावेद साहब जो है उनके ये नवासे हैं, और माशाल्लाह आप भी ये निहारियाँ खा खा के कहानी तो है ना। ये भाई बहादराबाद के ऊपर मैंने सुना है निहारी के साथ साथ और भी आइटम्स हैं, क्या क्या सीन है? क्या क्या है? बिरयानी है, पुलाव है, ये हमारे दोस्त हैं शारिक, अच्छा ये भी आपकी टक्कर में है माशाल्लाह, और ये इमरान भाई है, ये भी हमारे दोस्त हैं, अभी इनके पास से ही हम होके आ रहे हैं। हमने कहा भाई चलो जरा जावेद निहारी का प्लान है, बड़े ज़बरदस्त भाई यहाँ पे रौनक रहती है, दोपहर के टाइम आप आएँ चाहे 4 बज रहे हो 5 बज रहे हो या रात के 11-12 बज रहे हो, यहाँ आप जावेद निहारी पे इसी तरह रौनक रहती है। निहारी तो हम खाएंगे ही, लेकिन साथ में कुछ और आइटम भी टेस्ट करेंगे, जरा देखते हैं कि माहौल क्या चल रहा है। भाई ये देसी में बनती है निहारी? इसी में बनती है भाई निहारी, ये बहुत बड़ी सी एक देग यहाँ पे बनी हुई है जावेद निहारी की। ये कितने केजी की देग होगी यार? ये 3 मन की। 3 मन? 3 मन एक साथ? ये मेन देग है, वहाँ से फिर वो निहारी वहाँ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये आप देखें भाई, ये गोश्त रखा हुआ है, ये निहारी मेन, ये आ गई नली, ये आ गया मगज, और ये देसी घी। देसी घी से फ्राई होती है? अरे अरे अरे, ये देखो भाई, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है, ये कौन सी वाली निहारी बनी है? ये स्पेशल है, फ्राई करो ये। ये कितने की है स्पेशल निहारी? 1600 की। 1600? ओए भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है यार, देसी घी के तड़के लगे निहारी में, और निहारी की रंगत टेक्सचर, सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह, क्या खुशबू आ रही है यार। आप नली का गूदा देखें, आप नली का गूदा भी जो है ना वो कलर कितना अच्छा है इसका, खुश रंग। ये आप देखें भाई, ये निहारी, और यहाँ पे ये फुल माशाल्लाह रश चल रहा है। ये डाइनिंग हॉल तो इनका है ही, लेकिन ऊपर जो है ना वो बहुत बड़ा फैमिली हॉल बना हुआ है, तो और वो एसी वाला है, अभी तो खैर सर्दी है तो फैमिलीज़ भी आती हैं यहाँ पे, और ऊपर बैठ के आराम से माशाल्लाह खाती हैं। ये देखो भाई, ये गोश्त है निहारी का ज़बरदस्त। ये रेशे देखें आप यार, रेशे चेक करें आप, ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि जावेद निहारी की जो स्टोरी है ना, ये कितने साल पुरानी है? 1978 मेरी पैदाइश से भी पहले की ये जावेद निहारी है, और जावेद साहब जो है ना उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था, टाट की बोरियों का वो दस्तरखान बिछाते थे, बनाते थे, और उस पर लोग बैठ के खाते थे, है ना। और आज माशाल्लाह उनकी जो जनरेशन है अब वो संभाल रही है, जावेद साहब भी आते हैं लेकिन वो जाहिर सी बात से ज़ईफ़ हो गए, तो वो
ये मुझे नहीं पता था, मैं समझा था कि अभी वो आराम करे दादा। नहीं नहीं, आई साहब अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। अच्छा, और इतवार को आई साहब हफ्ते की रात को पाए पकाने भी खुद आते हैं। पाए पकाने? जी हाँ, पकाने नहीं यार। अच्छा, ये कोई आदमी पका तो खुद बैठ के पका? नहीं यार, बिल्कुल ये होता है, देखो ये होता है पैशन। माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम है, लेकिन आज भी वो खुद पाए पका रहे हैं। और पाए जो है ना, वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए, वो मुझे ट्राई करने आना पड़ेगा। सिर्फ संडे को होते हैं नहारी के ऊपर पाए, और सुबह 11 बजे वो शुरू कब होते हैं? सुबह 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे तो वो ट्राई करने भी आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये नहारी, नहारी से जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या क्या है? ये चिकन कोरमा। ओके, और फिर ये लच्छा, चिकन लच्छा। तो ये तो खारादर की खास डिश है। हमारी भी खास डिश है। हाँ, तो यहाँ पे भी आ गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये कढ़ाई, आलू कीमा। ये बन रही है भाई बिरयानी की प्लेट। ये कितने की प्लेट है? ये 280 रुपए की। तो भाई मैंने यही कहा था ना कि यहाँ पे भी और भी काफ़ी सारे सीन है भाई। हलीम के बाद क्या है? ये पुलाव। पुलाव किसका है? चिकन का। चिकन का ही पुलाव है। ये भाई पुलाव की प्लेट बन रही है, बहुत आला। ये कितने की है? ये भी 280 रुपए। 280 रुपए। निहारी, हरीम, बिरयानी, पुलाव, चिकन कोरमा, आलू कीमा सब मिलेगा भाई। और यहाँ पे देखें आप, खीर फिरनी भी रखी हुई है। ये देखो ये माहौल बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है भाई। ये सुल्तान भाई है और ये जावेद भाई के भाई है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सिराज भाई, सिराज भाई कैसे हैं आप? मैनेजर हैं आप? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और यहाँ से आप देखो भाई, ये रोटियाँ बन रही हैं। कैसे भाई हो? ठीक है, ज़बरदस्त। क्योंकि असल में जो मज़ा है ना तैयारी खाने का, वो गरम गरम रोटी के साथ है। और गरम गरम रोटियाँ यहाँ से निकलती जाती हैं। यहाँ सिर्फ गरम गरम रोटियाँ, बल्कि यहाँ पे शीरमाल भी मुझे नज़र आ रहे हैं। हाँ भाई, ये है ना बड़ी ज़बरदस्त भाई, तंदूर की रोटियाँ बनाते हैं, बहुत आला है। स्क्रैप करो मेरे भाई। तोर घर वालों से रिक्वेस्ट है कि इस पर स्क्रैप करो। हाँ, तोर घर गए आप? चाचा क्या हाल है? मामा, अरे कना आओ कना। ऊपर इनका फैमिली हॉल है, वो भी आपको दिखा दें। ओहो माशाल्लाह ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा सेटअप हो गया माशाल्लाह। परसेप्शन था कि ये ज़रा मिड लेवल का रेस्टोरेंट है। खाना तो नो डाउट बहुत आला है, लेकिन अब इन्होंने एम्बियंस भी जो है ना वो बड़ा अच्छा बना दिया है। और काफ़ी सारी फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे आई हुई हैं, ज़बरदस्त सीन है। ओ हो हो भाई, भूख चमक गई है। इतनी फूली हुई रोटी है। ओ हो माशाल्लाह। ये आलू कीमा, ये बिरयानी, ये नहारी, और एक लच्छा रह गया हमारा, ख़त्म हो गया लच्छा तो ख़त्म हो गया। हलीम मंगा लेते हैं। हलीम ले आओ यार, हलीम ले आओ। निहारी में जो सबसे फेवरेट पार्ट है ना इमरान भाई, वो ये, जब सबसे पहले ये जो थोड़ी सी अदरक गार्निश करनी होती है, उसके बाद फिर ये आपके थोड़े हरी मिर्चें आ गई, ये चीज़। और ये जब तक लेमन का ये तड़का ना लगे, जब तक माहौल नहीं बनता। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त भाई। यूजुअली तो मैं इसी में शुरू हो जाता हूँ, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान भी हैं तो ज़रा उनको पहले सर्व कर दें या चेक करें। अरे जिया भाई, आप लें पहले। नहीं नहीं यार, आप मूंग की, इसके अंदर गोटी है गोश्त, क्योंकि निहारी जो है ना असल गोश्त मूंग का ही होता है। ये आप चेक कीजिए, मगज़ है और नली भी है। और ये जो है ना 1550 रुपये की स्पेशल निहारी है। बिस्मिल्लाह करें शारिक भाई। बिल्कुल बिल्कुल, रहा नहीं जा रहा भाई, अब रहा नहीं जा रहा। सबसे अच्छी बात ये कि जावेद नहारी करीब आ गई है। हाँ, दूर नहीं जाना पड़ेगा, मेन सिटी में हो गई ना। ये नहारी का टेक्सचर देखें आप, ये जो है ना असल चीज़ होती है टेक्सचर। जायका तो बाद में आता है, पहली चीज़ तो ये है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
टेस्ट बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया भाई। इमरान भाई ठंड में, सर्दी में थोड़ी भूख भी ज़्यादा लगती है, है ना, हल्की हल्की सर्दी है, लेकिन उसमें जो है नली मगर नारी का मज़ा आ रहा है ना। जो भी नारी का ये वर्ड, ये कहाँ से है, क्या ये नहार मुँह से है या ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये नहार मुँह से ही है। और ये मुग़ल बादशाह जो थे ना, उन्होंने अपने जो उनके मेहनत कश लोग थे, जो उनके मुलाजिम या मजदूर जो काम वाले लोग थे, उनके लिए ये डिश बनवाई थी ताकि वो सुबह नहार मुँह नाश्ता करें टाइट होके। अच्छा। इसमें गजाइत भी हो, टेस्ट भी हो, तो ये बनी थी डिश उनके लिए। अच्छा। लेकिन फिर ये इतनी माशाल्लाह मकबूल हो गई कि अब ये जो है ना वो मुगलई दस्तरखान का एक अहम हिस्सा बन गई। और ये कहते हैं कि भाई दिल्ली की जो पुरानी जामा मस्जिद की पिछली गलियां है ना, वहाँ पे ये इस नहारी का जन्म हुआ। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि लखनऊ जो है वहाँ से ये नहारी निकली, लेकिन निकली ये दिल्ली और लखनऊ से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो जावेद साहब है ये भी दिल्ली से ही इनका ताल्लुक है, यानी इनके अबाउ अजदाद का। भाई ये स्पेशल नहारी मंगाई है हमने, जो कि 3 लोगों के लिए तकरीबन काफ़ी है। साथ में हमने और डिशेज भी मंगाई हैं, और ये 1550 रुपए की है। 400 रुपए की सिंगल नहारी होती है और 1550 की ये स्पेशल होती है। एक 2700 की भी होती है जिसमें फुल बोंग होती है, वो 4 से 5 लोगों के लिए होती है। तो ये सीन है। ओ हो हो भाई, ये सिग्नेचर शॉट तो ज़रूरी है ना। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह भी हैं, तो जो रूटीन के खाने होते हैं ना, आलू कीमा, हलीम, दाल वगैरह, वो भी इन्होंने रखनी शुरू कर दी है यहाँ पे। अच्छा यार, अच्छा यार, ट्राई करें। हलीम को तो भाई चमचे से ही खाना चाहिए। ओहो, जावेद नहारी का हलीम, बिस्मिल्लाह। इम्प्रेसिव यार, माशाल्लाह, वाह यार। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कराची के नामी गिरामी हलीम मैंने 4 ट्राई किए थे, और उसमें मैंने रेटिंग्स भी दी थी। जावेद नहारी पे हलीम मिलता है वो मुझे पता नहीं था, वरना मैं इसको भी उस वीडियो के अंदर इंक्लूड करता, क्योंकि ये हलीम भी बहुत ही ज़बरदस्त है। हलीम बड़ा गाढ़ा गाढ़ा, बड़ा लिसलिसा, रेशेदार है, और जो गोश्त है ना वो भी आपको फील हो रहा है, बिल्कुल घुटा हुआ गोश्त नहीं है, बाकायदा गोश्त है, आपको जो है ना वो चंक्स फील हो रहे हैं हलीम के अंदर, और बहुत ज़ायकेदार है माशाल्लाह। मसाला अलग से डाल बनाया तुमने, चाट मसाला अलग से भी डाल, कोई और सा मसाला है ना आप लोगों का, पता है? जबरदस्त, बहुत चाट मसाला है ना, हाँ बहुत अच्छा है, ये डिफरेंट है, ये कन्वेंशनल चाट मसाला नहीं है, ये इनका अपना चाट मसाला बनाया हुआ है, टोटल डिफरेंट टेस्ट है इसका, बहुत मज़ेदार है यार। मैं तो जा ही नहीं रहा था निहारी से आगे। कीमा तो हमारा चलो अच्छा है, रेगुलर आइटम है वो, लेकिन हलीम ने बड़ा है। बिरयानी 280 रुपए की प्लेट है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। बिरयानी तो ऐसी चीज़ है जो आपको इस गली में आप जाएंगे ना तो आपको 4 जगह पे बिरयानी मिल जाएगी, और बिरयानी माशाल्लाह अच्छी ही होती है ज़्यादातर। ये बिरयानी भी बहुत अच्छी है, लेकिन निहारी, जावेद निहारी का जो है ना वो एक सिग्नेचर है, और उसके बाद हलीम भी जो है ना वो भी आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं किया तो भाई हलीम ज़बरदस्त, और बिरयानी भी माशाल्लाह वेरी नाइस। या भाई, अब इतना ये खाने खाते हो डिफरेंट जगह पर जाके, मोरक्कन खाने सब टेस्ट कर, पेट नहीं ख़राब होता? ये आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया। भाई मैं ख्याल करता हूँ, ऐसी बात है जिस दिन शूट होती है उस दिन थोड़े ज़्यादा खाने होते हैं, तो मैं कोई एक आध खाना स्किप कर देता हूँ, और थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, जितना खाना आता है वो मैं अकेले नहीं खाता पूरा, तो टीम भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो अब जो है ना थोड़ा स्टमक जो है ना उस हिसाब से ट्यून हो गया है, ट्यून हो गया है, एडजस्ट हो गया है। सही है, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। खाना भी हम ये फिनिश करते हैं, और नीचे अभी खीर और रबड़ी भी रखी हुई है, वो भी ट्राई करनी है, लेकिन ज़रा पहले निहारी से दो दो हाथ हो जाए। चले जी, निहारी हलीम तो बहुत ही मज़ेदार था, स्पेशली हलीम मुझे बहुत अच्छा लगा, निहारी तो अपनी जगह है ही। ये आ गई खीर, बहुत ही आला लग रही है, खीर का टेक्सचर देखें आप, थोड़े से पिस्ते बादाम भी इसके ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं,
बिस्मिल्लाह। हर चीज़ माशाल्लाह एक से बढ़ के एक, ज़बरदस्त। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया भाई आज, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली। आप लोग भी अपने बिजली के बिल को जो है ना वो कम कीजिए, और मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कम से कम आप इन्फॉर्मेशन तो लीजिए कि आप सोलर पैनल किस तरह लगा सकते हैं, क्या चीज़ है, और समझ में आए तो फिर इसको अपने घर पर इंस्टॉल भी करवाइए। मैं भी यकीनन इंशाल्लाह ताला 10-15 किलो वाट का तो कुछ ना कुछ हिसाब किताब करने ही वाला हूँ। और आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। सारे जो लिंक्स हैं, जो डिटेल्स हैं, जो नंबर्स वगैरह हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल भी कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खीर भाई बहुत आला है।